हेलो गाइस, व्हाट्स अप एंड वेलकम बैक टू अवर चैनल। और आज की इस वीडियो में हम क्रिएट करेंगे टेक्नोकॉमर जैसा आउट्रो। देखो, टेक्नोकॉमर जैसा आउट्रो एग्जैक्ट वैसा का वैसे ही आउट्रो हम क्रिएट तो करेंगे, बट हम साथ में ये भी जानेंगे कि हम कैसे उसमें कुछ कुछ मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। सो कुछ चीज़ें हम चेंज करेंगे, कहीं ना कहीं ऑप्शन रखेंगे, जो भी हमको बेस्ट लगेगा आप उसको अपने वीडियो के लिए क्रिएट कर सकते हो। और हाँ, सॉरी कि मैं रेगुलर वीडियो नहीं अपलोड कर पा रहा हूँ, थोड़ी सी तबीयत डाउन हो गई, आप मेरी वॉइस से भी समझ पा रहे होंगे। अभी थोड़ी बहुत ठीक हुई है तो मैं वीडियो बना रहा हूँ। अब रेगुलर वीडियो बनाने की मैं कोशिश बिल्कुल से करूँगा। और हाँ, एक और बात कि मैं आपके कॉमेंट को पढ़ नहीं पा रहा हूँ, रिप्लाई नहीं कर पा रहा हूँ आपके कॉमेंट का, बट अभी मेरी तबीयत, मतलब ये तबीयत के कारण सारी चीज़ें हो रही है। बट मैं कल तक या परसों तक आपके हर कमेंट का रिप्लाई कर दूंगा पूरे प्रॉपर। ओके, सो वीडियो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। ओके, सो सबसे पहले हम एग्जैक्ट आउट्रो क्रिएट करेंगे टेक्नोकॉमर जैसा, और सेकंड पॉइंट में हम ये जानेंगे कि इसमें हम क्या क्या चेंजेस कर सकते हैं। सो फर्स्ट पार्ट की मैं अगर बात करूं तो सबसे मतलब जो इंपॉर्टेंट इसका जो सेक्शन है वो है एनिमेशन। अगर आपने एनिमेशन सीख लिया सो आपको उसमें कोई भी दिक्कत नहीं होगी, आप सिंपल तरीके से उसको क्रिएट कर लोगे। तो चलते हैं हमारे काइनमास्टर एप्लीकेशन में। ओके, तो काइनमास्टर हमने ओपन कर लिया। मीडिया पे यहाँ पर क्लिक करेंगे, इमेज को लेके आएंगे। इमेज में से मतलब आपको ब्लैक कलर का ये चूज़ कर लेना है। यहाँ से इसका कलर हम चेंज कर देंगे, कलर इसका हम रखेंगे ग्रीन कलर। सो हमें यहाँ से ग्रीन पे इसको सेलेक्ट करते हैं और यहाँ से पूरा नीचे करके ऐसा कुछ ग्रीन सेलेक्ट कर लेंगे। बिकॉज ग्रीन स्क्रीन में आपको पता है इजीली इसका बैकग्राउंड इरेज हो जाता है। सो 19 सेकंड की मैंने यहाँ पर इसको रखा है, 19 से 20 सेकंड की। अब आपको अगर ना लेयर के ऑप्शन पे क्लिक करना है, पर हैंड राइटिंग पे क्लिक करना है, और हैंड राइटिंग पे क्लिक करके आपको ये वाली पेंसिल को चूज़ कर लेना है। यहाँ से ब्लू कलर को चूज़ कर लेना है, ठीक है। और यहाँ से आपको कर लेना है इसका बड़ा, मतलब जो सबसे बड़ा साइज़ है इसको चूज़ कर लेना है आपको, ठीक है। मैंने सेकंड नंबर कर लिया है। ओके, मैं बड़ा कर लेता हूँ। ओके, सो आपको अब ऐसा कुछ ड्रॉ करना है। यहाँ से जितना हो पाए उतना ये याद रखना है कि आपको जो अपना गेप है वो कम से कम रहे, ठीक है। ज़्यादा भी होगा तो कोई दिक्कत नहीं है, बट थोड़ा ट्राई कर लेना कि अगर रहे गेप कम तो बढ़िया रहेगा। और आपको ऐसा कुछ ड्रॉ कर देना है लास्ट तक। ओके, सो हमारा ये ड्रॉ हो गया। तो क्योंकि इसमें गेप बचा है, इतना गेप कोई मतलब वो मैटर नहीं करता, ठीक है। यहाँ से हम कर देंगे राइट, और राइट करने के बाद इसमें इन एनिमेशन डालेंगे, सॉरी अल्फा पे नहीं, इन एनिमेशन में आएंगे और यहाँ करेंगे ड्रॉ इन स्टॉक, और यहाँ से कर देंगे हम राइट, और इसको आगे से हम ट्रिम कर लेंगे कुछ इतना। यहाँ से कर देंगे ट्रिम टू राइट, ऐसा कुछ। ओके, सो अब आप देख सकते हैं ऐसा कुछ हुआ ये, ठीक है। अब हम इसको थोड़ा जूम करते हैं, इसको क्लिक करते हैं, यहाँ से थ्री डॉट पर क्लिक करेंगे जो कॉर्नर पर है, और यहाँ से इसको कर देंगे डुप्लीकेट। और डुप्लीकेट करने के बाद सेकेंड लेयर को चूज, जैसे कि ऑटोमेटिकली है ये, यहाँ से आपको इन एनिमेशन में आना, इसको कर देना नोन, मतलब कुछ भी नहीं रखना इसका, और आउट एनिमेशन में डालना है आपको इरेज इन ऑर्डर, ठीक है। सो आपको थोड़ा सा इसको आगे बढ़ा लेना है, बढ़ाना आपको कुछ यहाँ तक है 300-400 सेकेंड तक। ओके, सो आपको ऐसा कुछ देखने को ये मिलेगा। देखो, हमको बेसिकली क्या करना है, जैसे ही हमारा ये ड्रॉ ऊपर तक ख़त्म हो रहा है, जैसे हम मानते हैं यहाँ तक पूरा ख़त्म हो रहा है, सो हमको इसको थोड़ा सा और आगे कर देना है, जिससे कि हमारा बस लास्ट में दिखाई दे। ओके, तो ये तो थोड़ा ज़्यादा हो गया। तो हम क्या करेंगे इसमें, जैसे कि देख सकते हो ये इरेज यहाँ से हो रहा है, तो आपको क्या करना है इसको भी कट कर देना, ताकि हमारा जो आगे का पार्ट है वो पूरा ट्रिम हो जाए, कि यहाँ से हमने कट कर दिया। और आपको इधर से इसको ट्रिम कर देना है थोड़ा सा यहाँ से राइट लेफ्ट साइड, ओके, कुछ ऐसा। ओके, तो आप देख सकते हो हमारे को मतलब ऐसा कुछ पूरी स्टॉक बनते हुए दिख रही है और पूरी इरेज होते हुए दिख रही है। बस हमको यही सेम चीज़ इसमें करनी थी, ठीक है। अभी आप क्या करना है, आपको यहाँ से थोड़ा सा इसको आगे करना है यहाँ तक कुछ, और यहाँ पर लेयर के ऑप्शन पर क्लिक करना है, मीडिया पर आना है, और आपको इस फोटो की लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, जो कि टेक्नोकॉमर यूज़ करता है अपने आउटरो में। यहाँ से आपको इस पर क्लिक करना और पूरा फुल साइज़ कर लेना है, मतलब पूरी स्क्रीन में इसको फिट कर लेना है। और यहाँ पर क्या करना है आपको, ये जो है इसको आपको कर लेना है फ्रंट पे, जो हमने लास्ट में आई थी ना अभी, जो इसमें आउट एनिमेशन डाला था उसको कर लेना है ब्रिंग टू फ्रंट, ठीक है। ये फ्रंट पे आ जाएगी, सो आपको कुछ ऐसा देखने को मिलेगा फिलहाल। ऐसा देखो, ये ऑटोमेटिकली आया, बट आपको करना है लेयर या हमारी इमेज पे क्लिक करना है, इन एनिमेशन में इसको फेडेड कर लेना है। फेड आप एक सेकेंड का रख सकते हो, अब आपको कुछ ऐसा देखने को मिलेगा। ओके, सो यहाँ तक हमारी प्रोसेस डन हो चुकी है, बस लास्ट काम बचा हमारा ऑडियो लगाने का। उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहाँ से आप उसको डाउनलोड कर सकते हो। ओके, इस गाने को हम सेलेक्ट कर लेंगे यहाँ से, ओके प्लस कर लेंगे, और आपको ये देखना है कि ये गाना मतलब कहाँ, इसको हमारा कहाँ सेट हो रहा है, ठीक है। आपको सुन के इसको थोड़ा सा सेट कर लेना अपने हिसाब से, जो कि आप कर ही लोगे आई थिंक, ठीक है। इसको हम आगे कर लेते हैं फिलहाल तो, और जो भी इसका फालतू पार्ट है उसको आपको इरेज कर देना है, जैसे कि मेरे को यहाँ से अब उसका जो मेन पार्ट है
जो बीट आई है वो यहाँ से आई है, तो इसको पहले तो मैं लेफ्ट साइड पूरा ट्रिम कर देता हूँ, इसको पूरा आगे कर लेंगे हम, ठीक है, कुछ ऐसा। और अभी आपको क्या करना है, इसको और थोड़ा सा हम ट्रिम करेंगे ताकि ये बिल्कुल यहीं पर दिखाई दे, ठीक है। इसको हम करेंगे ट्रिम टू लेफ्ट, आपको मतलब बेसिकली इसको सेट कर लेना अच्छे तरीके से, तो ऐसा। इस इमेज को हम बढ़ा लेंगे जितना भी आपको रखना, 19 सेकंड का आई थिंक आउटरो, हाँ 19 सेकंड का, 20 सेकंड का होता है, सो आपको 20 सेकंड तक इसको आउटरो कर लेना है और यहाँ से कर लेना है इसको एक्सपोर्ट, ओके। तो मैं अब आपको इसको यूज़ करके दिखाऊंगा कि कैसे हम इसको यूज़ करेंगे। तो क्रिएट न्यू पे आता हूँ, यहाँ से 16:9 को सेलेक्ट करता हूँ, यहाँ से किसी भी क्लिप को अपनी चूज़ कर लेता हूँ, जैसे कि मैं ओके मान के चलते हमने इसको चूज़ कर लिया है। सो अभी मैं इसको थोड़ा सा ट्रिम कर देता हूँ राइट साइड, ओके। सो अब आपको क्या करना है, यहाँ से आपको एक ब्लैक कलर की इमेज को सेलेक्ट कर लेना कुछ ऐसा, और इसको बढ़ा लेना जितना आप चाहो। अभी आपको यहाँ पर आना है और लेयर के ऑप्शन पे क्लिक करना है, और जो हमने अभी क्रिएट की है उसको यहाँ पर लेके आ जाना है आपको कुछ ऐसा। इसको फुल स्क्रीन में हम कर लेंगे, ओके ये म्यूज़िक तो हटाते हैं, फुल स्क्रीन में कर लेंगे। और आपको क्या करना है, यहाँ से आपको क्रोमा की पे आना है, यहाँ से इनेबल कर देंगे तो ऑटोमेटिकली कलर को इरेज कर देगा और आपको कुछ ऐसा देखने को मिलेगा। तो अब बात करते हैं कि हम इसमें क्या क्या मॉडिफाई कर सकते हैं, क्या क्या चेंजेस कर सकते हैं। सो पहला जो चेंज है वो हम यहाँ पर अपनी इमेज में कर सकते हैं। आप यहाँ पर अपनी कोई भी इमेज डाल सकते हो जो भी आपके गेमिंग से रिलेटेड है, जैसे कि मेरे पास दो तीन मैंने बैकग्राउंड जो है डाउनलोड करे हैं। आपको मैं इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, जो कि आपको कुछ ऐसा देखने को मिल जाएंगे दो तीन, ठीक है। और आप अपने हिसाब से भी इसको डाउनलोड कर सकते हो, सो आपको ऐसे कुछ अलग अलग ये सारी चीज़ देखने को मिलेंगी, ओके। जो भी आपको पसंद आए वो सारी चीज़ें आप कर सकते हो। और जो सेकेंड चीज़ है वो है सॉन्ग। आप सॉन्ग भी इसमें कोई भी अपनी बीट एडजस्ट कर सकते हो, कोई भी लगा सकते हो, जैसे कि ये है NCS नो कॉपीराइट साउंड, इसकी ये बीट है। यूट्यूब पे इसका चैनल है जिस पे कोई भी कॉपीराइट आपके इस पे क्लेम नहीं कर सकता है क्योंकि ये नॉन कॉपीराइट है, ठीक है। सो आप बेसिकली वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो दूसरे म्यूजिक को। सो ये हुआ हमारा सेकंड चेंज। और जो थर्ड चेंज है यहाँ पर है एनिमेशन, जो कि हमने बनाने में बहुत ज़्यादा टाइम दिया, जो सबसे हार्ड था वो यही प्रोसेस थी। सो इसको हम चेंज कर सकते हैं, जैसे कि मैं इसको डिलीट कर देता हूँ टेम्पररी यहाँ पर, और आपको मैं बताता हूँ इसके हम क्या रख सकते हैं। जैसे ट्रांजेक्शन आपने देखे होंगे जो कि आपको यूट्यूब पर बेसिकली देखने को मिल जाएंगे, आप यहाँ पर सर्च कर सकते हो ट्रांजेक्शन नो कॉपीराइट, ठीक है, और उसको आप डाउनलोड कर सकते हो। जैसे कि मेरे पास डाउनलोड है दो चार, एक दो की मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन ऑप्शन दे भी दूंगा, बट आप वहाँ से भी आके आप सिंपली डाउनलोड कर सकते हो। जैसे कि मेरे पास ये ट्रांजेक्शन पड़ा हुआ है, तो मैं इसको क्या करूँगा फुल स्क्रीन पर लगा लूँगा, आप भी उसको डाउनलोड कर सकते हो। यहाँ पर आऊँगा क्रोमा की पे, यहाँ से इनेबल करूँगा, इसका पूरा हट गया ये, और अब आप देख सकते हो कुछ आपको ऐसा देखने को मिलेगा। तो ये ट्रैक्शन भी आप बहुत सारे टाइप्स के लगा सकते हैं, जिसमें क्या होगा कि देखो आपको एग्जैक्ट अगर नहीं बनाना है तो मैंने उसका भी ऑप्शन बता दिया, अगर आपको एग्जैक्ट बनाना तो मैंने उसका भी ऑप्शन बता दिया आपको। सो ये दो तीन चीजें हम इसमें कर सकते हैं। ट्रांजेक्शन बहुत टाइप के हैं, जैसे कि मैं आपको एक दो और बता देता हूँ। ओके सो आप ये वाला ट्रांजेक्शन देख सकते हैं, और मैंने आपको इसकी प्रोसेस तो बताई दी है कि कैसे इसको यूज़ करना है। सो आप इसको बेसिकली यूज़ कर सकते हैं, काफ़ी आपका आउटरो एट्रैक्टिव बना सकते हैं, क्योंकि वहीं ना कहीं ट्रिगर करते हैं, माइंड को हिट करते हैं कि आप हमारी दूसरी वीडियो को भी वॉच करें। सो यहाँ से आप इसको करने के बाद एक्सपोर्ट कर सकते हैं फुल इसकी क्वालिटी में, और यहाँ से कर लेंगे सिंपली हम इसको एक्सपोर्ट। सो गाइस हमारा आउटरो रेडी हो चुका है, मेरे से इस तरह पॉसिबल हो पाया। मैंने आपको डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के यहाँ पर आउटरो बता दिए हैं। देखो आपको बेसिकली ये वाली वीडियो आपको हर जगह देखने को मिल जाती कि हाउ टू मेक आउटरो लाइक टेक्नोगेमर, बट इसमें क्या क्या चेंजेस कर सकते हो आप अपने हिसाब से, उसको एडजस्ट मतलब बना सकते हो, मॉडिफाई कर सकते हो, वो मैंने आपको चीज़ें बता दी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को जल्दी से लाइक कर दो। आप टेक्नोगेमर या युजमल गेमर के रिगार्डिंग कौन कौन सी टॉपिक पे वीडियो देखना चाहते हो उसमें जल्दी से आके आप कमेंट बॉक्स में जल्दी से आके सजेस्ट कर दो, ताकि मैं उस पर वीडियो जल्दी से लेके आ पाऊँ। तो मिलते हैं किसी कमाल की वीडियो में, तब तक लें गुड बाय।